नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रबल एकेडमी का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कल के पूछे गए अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर। आपके ऑप्शंस हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुरुष वर्ग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब निनाम किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ली जीजिया, ऑप्शन बी पीटर एक्सलेसन, ऑप्शन सी केंटो मोमोटा, ऑप्शन डी लिन टैंग। इस अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ली जीजिया। हाल ही में ली जीजिया ने पुरुष वर्ग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि मलेशिया खिलाड़ी ली जीजिया ने डेनमार्क के पीटर एक्सलेसन को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है। दूसरा प्रश्न है, 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में किसने 9 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुनीता परमार, ऑप्शन बी कमलप्रीत कौर, ऑप्शन सी कृष्णा पुनिया, ऑप्शन डी अनीता रंधाने। इस अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कमलप्रीत कौर। हाल ही में चका फेंक खिलाड़ी 25 वर्षीय कमलप्रीत कौर ने 65.06 के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको बता दें कि पंजाब की कमलप्रीत कौर ने 2019 के चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अब शुरू करते हैं 25 मार्च के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आज का कार्यक्रम। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्राम उजाला योजना, ऑप्शन बी ग्राम बल्ब योजना, ऑप्शन सी ग्राम एलईडी योजना, ऑप्शन डी ग्राम प्रकाश योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राम उजाला योजना। हाल ही में ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत अब 10 रुपये में एलईडी बल्ब मिलेगा जिसकी वारंटी 3 साल की होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब जमा करने होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत विभिन्न ग्रामीण इलाकों के 5 जिलों में की है। इनमें आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँव शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने 4,907 MIL-AN 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए BDL, ऑप्शन बी BHEL, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी BEL। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए BDL। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1,178 करोड़ की लागत से 4,960 MIL-AN 2T एंटी टैंक मिसाइलों का अधिग्रहण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 20 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 मार्च। आपको बता दें कि विश्व मौसम दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WHO की स्थापना की तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए योगदान पर भी प्रकाश डालता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 की थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम यानी द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंडिया लेजेंड्स, ऑप्शन बी श्रीलंका लेजेंड्स, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान लेजेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया लेजेंड्स। हाल ही में इंडिया लेजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब में श्रीलंका लेजेंड्स को हराया।
द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वारूप रॉय चौधरी, ऑप्शन बी शक्ति सिन्हा, ऑप्शन सी के पालिनी स्वामी, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वारूप रॉय चौधरी। आपको बता दें कि द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वास्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। ग्लेशियरों की मोटाई और घनत्व का पता लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में हिमालय के ग्लेशियरों का हवाई रडार सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भूटान। आपको बता दें कि इस हवाई रडार सर्वेक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौर, स्पीति बेसिन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उपघाटियों का अध्ययन किया जाएगा। 32 मार्च 2021 से 2 दिवसीय भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की बैठक कहां शुरू हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपको बता दें कि इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व सिंधु जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना और पाकिस्तान पक्ष का नेतृत्व वहां के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। स्थायी सिंधु आयोग की पिछली बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में की गई थी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि PSC बटालियन का नाम स्वतंत्रता सेनानी रानी कुंती बाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। इन 3 महिला बटालियन को बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। RBI के बैंकिंग अनुप्रयोगों के मूल्यांकन के लिए बनाई गई बाह सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन डी रजनीश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्यामला गोपीनाथ। आपको बता दें कि RBI ने यूनिवर्सल बैंक के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह सलाहकार समिति यानी स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि समिति में 5 सदस्य हैं जिसमें RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने 9 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होगी। शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। आज के पहले अभ्यास प्रश्न के रूप में हमारा पहला सवाल है रूफी मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की सबसे खूबसूरत इमारत किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ऑप्शन बी एंटालिया, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी व्हाइट हाउस। आज के दूसरे अभ्यास प्रश्न के रूप में हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत चीन पाकिस्तान ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमन, ऑप्शन बी तब्बी एंटी टेररिज्म 2021, ऑप्शन सी ड्रुज़बा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
आज के इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार रहेगा। साथ ही इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब जानने के लिए कल का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम देखना ना भूलें।